हेलो गाइस, आई एम सोमोजी, यू आर वाचिंग माय चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, पबजी लाइट इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और ये जो पबजी लाइट है, इसका साइज बेसिकली है 490 MB के आसपास, यानी आप 500 MB बोल सकते हैं। तो ये जो डिवाइस, ये जो गेम टेंसेंट वालों ने लॉन्च किया है, ये गेम बेसिकली 1 GB, 2 GB, 3 GB, सारा जो कि रैम वेरियंट्स है, सब रैम वेरियंट्स में काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। और ग्राफिक्स के मामले में किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हाँ, इसका जो ग्राफिक्स है बेसिकली एकदम बेसिक सा किया गया है, ताकि किसी भी मोबाइल में ये प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी अच्छे से खेल पाए। और अगर आपके पास थोड़ा हाई रेंज स्मार्टफोन है, मान लीजिए मेरे पास Realme 2 है, वहाँ पे 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज है, तो यहाँ पे मुझे लगभग 40-50 FPS के आसपास यहाँ पे फ्रेम रेट मिल रहा है। और अगर आपके पास और भी हाई डिवाइस है, तो वहाँ पे आपको लगभग 60 FPS तो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, और इसका इंटरफेस क्या कुछ है, और क्या कुछ आपको इस वीडियो में, इस गेम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जानने के लिए। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन में, और आपको मैं दिखाता हूँ इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सीधे चले जाइए आप गूगल प्ले स्टोर में, और ये सारे के सारे डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पे सर्च बटन में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जस्ट टाइप करना है पबजी मोबाइल लाइट, और सीधे यहाँ पर सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको आ जाएगा, जिसके नीचे वाले ऑप्शन में आपको पबजी का बड़ा वर्जन मिल जाएगा। तो ये है पबजी मोबाइल लाइट, और इसको सिंपली आपको डाउनलोड करना है, और जिसका साइज़ है 500 MB के अंदर। और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसको काम करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपके सामने टोटल पबजी लाइट आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे चेंजेस क्या कुछ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो ग्राफिकल क्वालिटी है, ये मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्के से काम करता है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो रॉयल पास है, इसको रॉयल पास नहीं, विनर पास बोलते हैं कुछ ऐसा है। और यहाँ पर मिशंस वगैरह है, जिस मिशन से आप काम को कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स को दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है सेटिंग्स, यहाँ पे बेसिक है, और जो जो चीज़ पबजी में रहते हैं वैसा ही है। एम असिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1, 2, 3, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बोल्ट एक्शन, स्नाइपर रिलीज मिल जाएगा, पीक एंड फायर मिल जाएगा, पीक एंड फायर ओपन स्कोप वो भी मिल जाएगा, जायरोस्कोप मिल जाएगा, डोर ओपन एंड क्लोज एनेबल वो भी मिल जाएगा, यहाँ पे जो डैमेज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि पबजी मोबाइल में आपको मिलता है कंट्रोल्स, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तीनों टाइप के कंट्रोल्स, और व्हीकल्स के कंट्रोल भी मिल जाएगा, और सेंसिबिलिटी जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, सब कुछ सेम ही है। और पिकअप तो यहाँ पे ऐसा ही मिलता है, और ऑडियो भी मिलता है, क्विक चैट का भी ऑप्शन है। पर यहाँ पर शायद आपको एक ऑप्शन मिसिंग लग रहा है, वो है इसका ग्राफिक्स। भाई, ये जो पबजी लाइट है, इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स में चलता है, हर एक फ़ोन के हिसाब से ये ग्राफिक्स सेट करता है। यानी अगर आपका फ़ोन का साइज़ कुछ कम है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ कम है, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं ग्राफिकल क्वालिटी को, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उस फ़ोन के हिसाब से ग्राफिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि इन्वेंटोरी है, वैसे इन्वेंटोरी में से आप जैसे कि काम पबजी मोबाइल में कर सकते हैं, वैसे ही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है इसका क्लासिक मोड। तो भाई लोग, यहाँ पे पहले एक ही क्लासिक मोड आपको मिलेगा, जो कि इरांगेल है, पर इरांगेल का जो मैप है वो टोटली अलग है। हाँ, यहाँ पे स्कूल है, बाकी सब कुछ चीज़ें हैं, पर यहाँ पे टोटली अलग मैप यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको एक बार उतर के भी दिखाऊंगा। और साथ ही अगर आपको आर्केड खेलना है, तो आपको यहाँ पर लेवल 10 तक गेम को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको आर्केड वर्सन मिलेगा, और आपको यहाँ पे सोलो, डुओ, स्क्वाड सब कुछ मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर्वर के बारे में, तो यहाँ पे आपको एशिया और साउथ अमेरिका, ये दोनों सर्वर्स मिलेंगे। सबसे पहले मैं एक बार के लिए चलता हूँ एक मैच फाइंड करने। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंडिंग मैच, और मैच फाइंड हो भी गया। मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक बार के लिए गेम प्ले दिखा देता हूँ, और मैप एक बार के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकेंड के आसपास टाइम मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे गेम में आ चुका हूँ, और गेम में कोई भी तरह का लैग नहीं है, और काफ़ी इजीली चल रहा है। अगर आपके पास थोड़ा हाई क्वालिटी का भी मोबाइल है, तो काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं इसका इरांगेल का जो मैप है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर विलेज है, स्टेडियम है, तो यहाँ पर स्कूल का नाम स्टेडियम किया गया है, यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर नॉर्थ हिल है, तो यहाँ पर इसका स्पॉन आइलैंड नॉर्थ हिल है, तो इसको पायलट प्लेजा कहते हैं। उसके बाद विस्ता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, पर इसका जो मैप है ये टोटली अलग है। और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे 60 लोग ही एंटर कर सकते हैं इस गेम के अंदर।
तो कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा ही ये गेम। तो यहाँ पे आपको जंप करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ से मैं जंप कर रहा हूँ, यहाँ से आपको जंप करने के लिए बोल दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथ है ये गेम, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। यहाँ पे पिंग इशू भी काफ़ी कम है, यहाँ पे बस इंटरनेट स्लो हो जाने से बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे पिंग इशू नहीं देखने को मिला है। मैं हालांकि 2 से 3 गेम तो ऑलरेडी इसमें खेल चुका हूँ, तो यही मुझे बताना था। और साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद भी जैसे उस पबजी में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता था, इसमें भी कुछ लैग देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते, तो ठीक है ये वीडियो इतना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।